बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, इस वक्त चकवाल समेत पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है मेटाफर्स की तरफ से कि ये गर्मी जो है, गर्मी की लहर मज़ीद तेज़ हो सकती है। आज भी चकवाल में काफ़ी गर्मी रही और अगर हम मुल्क भर की बात करें तो 49 डिग्री तक जो पारा है वो गया मंचाडाड़ा और दीगर कई इलाकों में। इसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो खूब आंखें दिखा रहा है, बड़ा गुस्से में है। और ये जो वो गुस्से में है, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ज़मीन पर रहने वाले जो वासी हैं, वो वजह सबसे बड़ी वो खुद है। जिस तरह ज़मीन पर हमने तबाही फैलाई है और जिस तरह इस कुदरती माहौल को ख़राब किया है, तो उसके बाद यही सिलसिला हमारे सामने आना था। वो पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो सनती तौर पर तो पाकिस्तान का इस बिगाड़ में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन बदकिस्मती के साथ इससे बिगाड़ का जो सबसे बड़ा निशाना 3 ममालिक बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है। यानी हमने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन खमियाजा हम ज़रूर भुगत रहे हैं। बहरहाल ये तो हम पहले भी भुगतते रहते हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि अब इसका सामना कैसे किया जाए। ये तो अब हर साल होना है, हर साल हीट वेव्स ने आना है, हर साल आपको हीट स्ट्रोक भी होगा। अगर किसी ने भी बेहतियाती की तो फिर वो इसका शिकार हो सकता है और ये हीट स्ट्रोक जो है वो किसी की भी जान ले सकती है। तो एक तो मेरी ये गुजारिश होगी कि सब एहतियात करें। जो लोग ख़ास तौर पर धूप में काम करते हैं या ज़्यादा वक्त धूप में गुजारते हैं तो वो खुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि जान है तो जहान है और उनकी जो मेहनत है वो अपनी जगह, लेकिन उनसे जान से ज़्यादा वो कीमती नहीं है। जान से ज़्यादा कोई भी अहमियत किसी काम की नहीं होती, इसलिए गीला परना या गीला कपड़ा वो सर पर रख कर वो काम करें अगर बहुत ज़रूरी है धूप में काम करना। इसके साथ साथ शजरकारी, वैसे तो हर साल हम देखते हैं सुनते हैं यहाँ पर भी शजरकारी मुहिम चलाई जाती है, लाखों दरख्त लगाए, लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन ना जाने क्या वजह है कि वो पौधे दरख्तों में तब्दील नहीं होते। तो एक तो ये ज़रूर करना चाहिए, ये सिर्फ सरकार पर छोड़ने वाली बात नहीं है, ये हर शहरी का काम है कि कम से कम अपने हिस्से का एक दरख्त ही वो ज़रूर लगाए। और इस सिलसिले में उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि कहीं वो पौधा लगाए, फिर उसकी देखभाल करे ताकि वो उसकी ज़िंदगी में ही ज़रा जान पकड़ ले, दरख्त बन जाए। तो अगर हम सब अपने हिस्से का काम करें तो ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है, ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। तो ज़रूरत इस सबर की है कि इस तरफ भी वो तवज्जो दी जाए। जहाँ तक गर्मी का ताल्लुक है तो जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये तो हर साल आनी है, अब इसमें हमने जीना सीखना होगा, हमें इससे गर्मी के साथ ही दिन गुजारने होंगे। गर्मी की ये लहर 28 मई तक जारी रहेगी और दर्जा हरारत जो है वो 45 तक चकवाल में जाने का इम्कान है। तो इससे बचना, इस गर्मी से बचना इंतहाई ज़रूरी है। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि प्री मानसून वो जून के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा, यानी गर्मी जो है वो रुखसत ज़रूर होगी, लेकिन पहले वो अपना रंग दिखाएगी। एक तो एहतियात वो है कि जो लोगों ने करनी है, और दूसरी एक सहूलत है जो सरकार ने फराहम करनी है, जो इंतज़ामिया उसको देनी चाहिए। जिस तरह आजकल चकवाल शहर में वो शदीद गर्मी है, धूप में बैठना तो दूर की बात है, गुजरना उससे मुश्किल हो रहा है, और जो लोग धूप में बैठकर काम कर रहे हैं ये उनका हौसला और उनकी हिम्मत है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। अब सरकार का फ़र्ज़ है कि वो कम से कम एक हफ्ते के लिए यहाँ कोई कैंप लगा दे, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी की हालत ख़राब हो तो फौरी तौर पर करीबी कैंप में वो अपने लिए कुछ जगह तलाश कर सके। इसी तरह उस कैंप में ग्लूकोज भी होना चाहिए, उस कैंप में ठंडा पानी हो, एक आध आप मंजी डाल दें ताकि किसी भी शख्स ने अगर उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो उसको वहाँ लिटा दिया जाए। हर जगह ये कैंप लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ NGOs भी ये काम करती हैं, सरकार भी ये काम करती हैं, लेकिन चकवाल में ऐसा कोई रवाज नहीं है। चकवाल में पहले इतनी गर्मी पड़ती भी नहीं थी, अब ये गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो हमें बहरहाल ये इस कैंपों की तरफ भी आना होगा। हम देख रहे हैं कि अभी गर्मी की शिद्दत उस सतह तक नहीं पहुँची जिसकी पेशनगोई की जा रही है, तो अभी से लोग बेहोश होना शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ खबरें आ रही हैं, जिसने भी थोड़ी देर धूप में गुजारे उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो अच्छा ही हो कि कम से कम भवन चौक, तहसील चौक पर एक आध कैंप लगा दिया जाए, जहाँ लोगों को ठंडा पानी मिल जाए, ग्लूकोज मिला पानी मिल जाए, तो फिर उनकी तबीयत बहाल रहेगी, हीट स्ट्रोक से वो बच सकते हैं, गर्मी की वजह से दीगर जो
और बीमारियां हैं वो उनसे बचा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि बात इंतहा तक पहुंच जाए, बात वहां तक पहुंच जाए जहां इंसान की जान को ख़तरा लाख हो, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इससे पहले ही वो इंतजाम कर लिए जाएँ कि बात वहाँ तक पहुँचे ही ना। तो इसका बेहतरीन तरीका मुख्तलिफ जो कैंप है वो लगाना है। हम उम्मीद करते हैं कि मकामी इंतजामिया इस हवाले से ज़रूर सोचे कि मुसाफरों के लिए मुख्तलिफ अड्डों पर ये कैंप होने चाहिए ताकि उनको गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। ठंडा पानी वो पी ले, ग्लूकोज मिला पानी पी ले तो उनकी तबीयत बहाल रहेगी। इसी तरह जो पैदल चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, उनको अगर रास्ते में ठंडा पानी मिल जाए तो वो उनके लिए बड़ी मदद होगी, वो गर्मी से बच सकते हैं। तो इस तरफ ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। गर्मियाँ हर साल आती हैं लेकिन शिद्दत जो है वो तेज़ हो रही है, और इस सिलसिले में जैसा मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि जब तक हम शजरकारी की तरफ नहीं आएंगे, जब तक आम लोग अपने हिस्से का दरख्त नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक ये जो बला है वो टलने वाली नहीं है। ये हर साल ज़्यादा शिद्दत के साथ आएगी, ज़्यादा तेवर दिखाएगी, सूरज ज़्यादा आग बरसाएगा। तो इससे बचने का तरीका यही है कि सब मिलजुल कर काम करें और सरकार भी अपना काम करें ताकि ये जो दिन जो है वो खैर खैरियत से गुजर सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।